नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ बैंगन की एक नई रेसिपी टी टाइम रेसिपी बनाना शेयर करती हूँ। टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से ताज़ा सा बैंगन ले लेते हैं। आप इस तरह का मोटा बैंगन या पतला बैंगन भी ले सकते हैं। उसे अच्छी तरह से छील लेना है। छील के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। बिना छीले भी बना सकते हैं, लेकिन छील के ज़्यादा अच्छा बनेगा। हमने दोनों बैंगन को छील लिया है। बीच से चीरा लगाते हुए उसके पीछे की डंडी के साथ इस तरह से कट करके तैयार कर लेते हैं। हम इसे दो बराबर भागों में बांट दिए। अब हमें इसे लंबा लंबा कट करना है। आप हाथ को बचाते हुए अच्छी तरह से लंबा लंबा कट कर लीजिए, बहुत ईजी है। और एक बार इस तरह से कट कर लिए, अब इसे बीच से एक बार और कट करते हैं ताकि ये बहुत सारे स्टेप में तैयार हो। और देखिए बहुत सारे इसके लच्छे बन गए हैं। और इस तरह से हमें बना लेना है। और इसका अब हम मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमने 4 से 5 टीस्पून बेसन लिया है, 4 से 5 टीस्पून कॉर्न फ्लोर पाउडर लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, थोड़ा सा हल्दी डालते हैं और धनिया पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डालते हैं, मिर्ची पाउडर भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा अजवाइन डालते हैं। इन सब चीज़ों के साथ एक पतला सा इसका घोल तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा गाढ़ा घोल हमें नहीं तैयार करना, पतला सा घोल तैयार करना है। तो इस तरह से पतला सा घोल तैयार करते हैं और उसमें हम ये बैंगन का जो लच्छा काट के रखे हैं उसे डालते हैं और अच्छी तरह से भिगो देते हैं। ये हमारा लिक्विड काफ़ी पतला है तो अच्छी तरह से हमें इसमें भिगो देना है पूरी तरह से। अब ये हमारा ब्रेड क्रम्स है, जो ताजे ब्रेड को भी आप इस तरह से मिक्सी में चला के तैयार कर सकते हैं। अब ब्रेड क्रम्स इसमें लगा देते हैं ताकि हमारा जो ये रेसिपी है वो क्रिस्पी तैयार हो। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये काफ़ी क्रिस्पी तैयार होता है। अब तेल को गर्म करते हैं और उसमें इसे तल के और बढ़िया से निकालते हैं। एकदम करारा तलते हैं, क्रिस्पी तलते हैं। एक बार फ्लेम को हाई रखते हैं, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। इस तरह से थोड़ा सा बीच में से अलग करते हुए और इसे तल के तैयार करते हैं। एक तरफ से क्रिस्पी कर लिया हमने, अब इसे उलट के दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी करके तैयार करते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप बैंगन भाजा बनाने के बजाय आप इसे बनाइए, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। या तो बैंगन का पकौड़ा बनाते हैं उसके जगह पे इस तरह का पकौड़ा बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब ये देखिए हमारा इस रेसिपी को काफ़ी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया, बहुत क्रिस्पी, टेस्टी और मज़ेदार। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो बहुत बहुत धन्यवाद।